કોરોનામાં વેક્સિન એકમાત્ર ઉપાય હોય ત્યારે જલારામ સેવા મંડળ રાજુલા દ્વારા પણ કોવિડ રસીકરણ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। कोरोना महामारी ने पहोंची वळवा रसीकरण एक ज उपाय होय रसीकरण बाबते दिन प्रतिदिन लोगों में जागृतता आवी रही है। राजूला में लोहाणा महाजन और जलाराम सेवा मंडल संयुक्त उपक्रमें आयोजित रसीकरण कैम्प में राजूला जाफराबाद खांबा विस्तार धारासभ्य अमरीश डेर द्वारा कोविड रसीनों प्रथम डोज लई कैम्प की शुरुआत करवामां आवी। कैम्पना अंते टोटल 452 लोगों ने कोविड रसी थी रक्षित करीने कैम्प ने सफलतापूर्वक पूर्ण करवामां आव्यो। कैम्प सफल बनाव माटे लोहाणा महाजन राजूला तेमज जलाराम सेवा मंडल युवानों सहित लोगों भारे जहमत उठावी। राजूला तालुका में आरोग्य विभाग द्वारा अत्यार सुधी में 44,546 लोगों ने कोविड रसी प्रथम और बीजो डोज आपीने सराहनीय कामगिरी करी जे याद में जणाव्यु छे। जलाराम सेवा मंडल राजूला आयोजित आ वेक्सिनेशन कैम्पनु आयोजन में हाजरी आपी अने मैं पण आजे मारो प्रथम डोज लीधो छे। भूतकाळ में थोड़ा समय पहला 45 वर्षथी नीचेनाने डोज न आपवा एवा नियमो हता। स्वाभाविक है कि हजी एट वर्ष थे अत्यारे वेक्सिन लेवा समय आयो न हतो। आम पण गत 9 महीना में हूँ कोरोनाग्रस्त थयो हतो। भगवान की कृपा थी कोईपण जातनी हॉस्पिटल में गया वगर एकदम साजो थयो हतो। त्यारबाद 6 महीना 8 महीना 10 महीना जुदी जुदी रीते शरीर में एंटीबॉडी चेक करायुं तो बहु आनंद साथे कहेवू पड़े कि 106 जेटलू एंटीबॉडी हतुं एटले वेक्सिन लेवानी जरूर न हती। આજે પણ એન્ટીબોડી એટલું બધું છે પણ તેમ છતાં મને એવું થયું કે હવે યોગ્ય સમય છે તો ચોક્કસપણે અવેરનેસ સાથે લોકોમાં અવેરનેસ આવે એના માટે પણ આપણે વેક્સિન લેવી જોઈએ એટલે ચોક્કસપણે આજે કોવિશિલ્ડનો પ્રથમ ડોઝ લીધો છે। અભિનંદન પાઠવું છું આ સંસ્થાને કે જ્યારે પણ શહેરને વિસ્તાર માટે કંઈ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરવાની હોય ત્યારે સ્વખર્ચે આટલું સારું આયોજન કરી રહ્યા છે એટલે ફરી વખતે અભિનંદન પાઠવું છું। અને યોગેશ કાનાબાર, જી ટીવી ન્યૂઝ, રાજુલા।